बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। नीम के पत्ते पानी में डालकर सर धोने से जुएं मर जाती हैं। कम से कम एक साल पुराने आम के अचार के तेल से 15 दिन तक सर पर मालिश करने से नए बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पांव की छोटी उंगली का मसाज करने से काफी हद तक आराम मिलता है। नीम गरम दूध में चंद कतरे खालिस रोगने बादाम मिलाकर पिया जाए तो बाल सफेद होना रुक जाते हैं और दिमाग तेज होता है। खरबूजे के बीज केले के साथ पीसकर रोजाना छाइयों पर लगाने से छाइयां गायब हो जाती हैं। अगर आपके दांत में तकलीफ है तो पांव की दूसरी, तीसरी और चौथी उंगलियों के मसाज से दांत के दर्द में आराम पहुंचता है। खाना खाने के बाद अगर कोई मौसमी फल खाया जाए तो दांतों पर मेल नहीं जमता। तुखमे लीमू पानी में पीसकर सर पर लेप करने से गंजपन दूर होता है। खीरे और लीमू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां दूर हो जाती हैं और चेहरा बारौनक हो जाता है। मेथी दाना के 5 से 6 दाने रोजाना खाने से पेट में मौजूद गैस से भी निजात मिलती है और खाने के बाद तेजाबियत और खट्टी डकारों की भी छुट्टी हो जाती है। 1 गिलास पानी में 2 अदद लीमू निचोड़कर आइस ट्रे में क्यूब्स जमा लें, फिर रोजाना 1 क्यूब निकालकर चेहरे पर मलें, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। पलकें लंबी और घनी करने के लिए फलालेन के कपड़े को नीम गरम दूध में भिगोकर आंखों पर उस वक्त तक रखें जब तक गर्माइश खत्म ना हो। कुछ ही अरसे में पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। अजवाइन की सिगरेट बनाकर पीने से सर्दी का जुकाम ठीक हो जाता है। गालों पर लाली कम हो जाए तो गाजर, आलू बुखारा और सौंफ इस्तेमाल करें। चेहरे के कील मुहासों से निजात के लिए 1 औंस ग्लिसरीन में 2 नींबू निचोड़कर शीशी में भरकर फ्रिज में रख लें और रोजाना रात सोने से कबल चेहरे पर लगाकर सुबह धो लें। बुखार तेज हो तो सब्ज इलायची के चंद दाने 1 कप पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें अर्के गुलाब शामिल करके मरीज को पिलाएं। ये पानी पीने से बुखार के मरीज को इतना पसीना आएगा कि बुखार टूट जाएगा। कोहनियां काली पड़ने की सूरत में लीमू काटकर इसका 1 हिस्सा कोहनी पर रखकर मलें, चंद ही रोज में साफ हो जाएंगी। जिस्म में चिकनाई हासिल करना हो तो मक्खन, अखरोट, काजू और बादाम इस्तेमाल करें। हड्डियां मजबूत करनी हो तो ताजा साग, दूध और सब्जियां इस्तेमाल करें।